ये बॉक्स आ चुका है, 1 वीक पहले ही आया था। मैंने इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया है और बहुत ही चीप रेट में है, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत कम है। मैं डिस्क्रिप्शन में रेट को ऐड कर दूंगी और मैं आप लोग को बता भी देती हूँ कि इसका प्राइस क्या है। तो इसका हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सीमा कुर्रे और सीमो फैशन में आप सबका स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। बहुत ही कम रेट में मैं आज आप लोग के सामने मेकअप किट लेकर आई हूँ, जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ था और फाइनली मेरे पास आ चुका है। तो आज मैं अनबॉक्सिंग भी करने वाली हूँ, रिव्यू देने वाली हूँ और आप लोग के सामने मैं मेकअप भी करने वाली हूँ, ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि जो सस्ते जो मेकअप आता है वो आपके लिए अच्छा है कि नहीं है और कैसा रहता है उसका रिव्यू और क्या चीजें हैं। मैं आज आप लोग को पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि नए से नए वीडियो आप लोग के पास आती रहे और नोटिफिकेशन पहले आप लोग से मिलती रहे। तो ये बॉक्स आ चुका है, 1 वीक पहले ही आया था। मैंने इसको अनबॉक्सिंग नहीं किया है और बहुत ही चीप रेट में है, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत कम है। मैं डिस्क्रिप्शन में रेट को ऐड कर दूंगी और मैं आप लोग को बता भी देती हूँ कि इसका प्राइस क्या है। तो इसका इसका जो प्राइस है वो मात्र 186 में है, मतलब 186 में आपको कंप्लीट मेकअप किट मिलने वाला है। तो ये बॉक्स मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब मीशो से इतना सारा चीजें मुझे मिल जाएगी। तो फाइनली मैंने सोचा कि एक बार मैं ऑर्डर करके देख लेती हूँ और इसका रिव्यू कैसा है। और हम इतने महंगे चीजें जब मेकअप का सामान लेते हैं तो वो और इसमें क्या फर्क है, ये सस्ता और महंगे में क्या फर्क है, तो ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। तो फाइनली ये ओपन हो चुका है और देखिए कितना सारा चीजें हैं। तो एक एक करके मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या चीजें। देखिए कितना सारा चीज है, सिर्फ ओनली 186 में आपको ये सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे मीशो से। सबसे पहले ये है फेस ऑयल, जो कि इसको चलिए ओपन करके मैं दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। सो चलिए इसको इस निकाल के दिखाती हूँ मैं आप लोग को। ये है फेस ऑयल है ये। उसके बाद है ये लूज फाउंडेशन, इसको ओपन करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये जो इसमें जो पाउडर है वो बाहर आ गया है। ये बहुत ही मतलब एकदम ढीला लग रहा है ये। उसके बाद है ये कंसीलर, ये काफी हल्का जो पैकेजिंग में रहता है, पैक होता है, एकदम हल्का लग रहा है ये। उसके बाद है ये है फाउंडेशन, उसके बाद इसमें मिला है आई लेसेस, देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है, इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं। उसके बाद है ये प्राइमर, इसके बाद है टू लिपस्टिक, यहाँ पे छोटा छोटा सा टू लिपस्टिक है। उसके बाद ये छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर और लास्ट वन है, लास्ट है ये फिक्सर। तो इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इतना सारा प्रोडक्ट ओनली 186 में मिला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, जहाँ पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इतना सारा प्रोडक्ट मुझे मिला है, तो इसको मैं ट्राई करके आप लोग को बताती हूँ। इसको सीधा डेमो दिखाऊंगी मैं आप लोग को कि कैसा है।
तो चलिए मेकअप स्टार्ट करती हूँ मैं और आप लोग को बताऊंगी कि ये कैसा लग रहा है और दिखने में भी कैसा लगेगा इतना सस्ता प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया कंप्लीट और चलिए अब फिर मेकअप करके मैं आप लोग को बताती हूँ कि कैसा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यूज करूंगी प्राइमर, जो कि मेकअप से पहले ये जरूरी होता है प्राइमर। तो यहाँ पे प्राइमर मुझे मिला हुआ है इसमें, तो चलिए प्राइमर को यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट प्राइमर को लगा लेना है। सो प्राइमर यूज करने के बाद मैं यहाँ पे ऑयल का यूज करूंगी। यहाँ पे सिर्फ एक दो बूंद काफी है आपकी स्किन के लिए। इसके बाद मैं यूज करूंगी कंसीलर। जहां पे आपके डार्क सर्कल लगेंगे वहां पे आपको ये कंसीलर लगा लेना है। तो इसमें मुझे मिला था ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि अगर आप कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर इसमें आपको मिल रहा है या फिर आप ले रहे हैं अलग से, तो इसको सबसे पहले इसको वॉश कर लीजिए। सबसे पहले मैं इसको पानी में इसको डुबा दूंगी, क्योंकि इसको पानी पे करने के बाद आप इसको यूज करेंगे ना तो इसका काफी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके जो मेकअप है ना वो काफी अच्छे से ये आपके मेकअप को ब्लेंड करने में काफी अच्छा हेल्पफुल देगा। तो सबसे पहले मैं इसको पानी में भिगा दिए, उसके बाद इसको अच्छे से पानी को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद इसको ऐसे करके डिप करना है। देखिए कितने अच्छे से हो रहा है ये। इसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ फाउंडेशन। तो यहाँ पे मैं हल्का सा फाउंडेशन निकाल लेती हूँ हाथ में। सो मैंने कंप्लीट यहाँ पे फाउंडेशन लगा लिया। तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना है। तो मैं इसके बाद यूज करने वाली हूँ लूज पाउडर, जो कि मेकअप को पैक करने में ये हेल्प करता है। तो इसको सबसे पहले यूज करते हैं। तो मैं इसी ब्यूटी ब्लेंडर से ही कर रही हूँ और ये हल्का हल्का सा यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ पे ब्लेंड कर देना है।
तो यहाँ पे लिपस्टिक है, टू लिपस्टिक है, बहुत ही मिनी लिपस्टिक है ये। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि इसमें कलर कैसा कैसा आया है। तो ये जो कलर है आप देख सकते हैं काफी प्यारा लग रहा है, काफी छोटा सा है और डार्क रेड में है और काफी अच्छा लग रहा है मेहरून कलर में। उसके बाद है ये है रेड कलर में, सो टू लिपस्टिक है। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें तो आई शेडो मिला नहीं है तो मैं लिपस्टिक को ही यूज करने वाली हूँ आई शेडो। हल्का सा ही इसमें ले लिया यहाँ पे, मैं हल्का से लिपस्टिक का ही ब्लश में यूज करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लिपस्टिक है वो ब्लश का भी यूज किया है, यूज की हूँ और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आई शेडो का भी यूज हो चुका है। इसके बाद है आई लेसेस, तो इसको यूज करने वाली हूँ मैं। और आई लाइनर के लिए तो इसमें कुछ मिला नहीं है मुझे आई लाइनर और न ही काजल मिला है, तो मैं आई लाइनर और काजल यूज नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इट का ही मैं आप लोग को बताने वाली हूँ तो इसमें कैसा लग सकते हैं। तो सो चलिए इसको मैं लगाती हूँ, इसको सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ। आईलाइसेस को लगा लिए है और देख लीजिए ये थोड़ा सा ना इसमें जो ग्लू था वो बहुत कम था तो मैंने ग्लू करके लगाया है, काफी मुश्किल के बाद लगा है। सो फाइनली ये लग गया, कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। सो इसके बाद है लिपस्टिक, तो लास्ट में लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ वो है ये कलर। तो मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया, अब लास्ट है फिक्सर लगाना मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए, ये जरूरी है। इसके बाद मैं हल्का सा इसको डीप कर देती हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक, इसी मेकअप से ही यूज किया है, अदरवाइज मैंने आईब्रोज भी यूज नहीं किया है और आईलाइनर भी मैंने यूज नहीं किया है। सो इसी मेकअप से ही मैंने पूरा कंप्लीट मेकअप मैंने लुक दिया हुआ है और ये काफी सिंपल काफी अच्छा लग रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और देख सकते हैं मेरा मेकअप लुक, तो मेरा फाइनल मेकअप लुक आप लोग के सामने रेडी है और आप देख सकते हैं कि इतना सस्ता में 186 में इतना प्यारा सा लुक आप लोग के सामने है। सो आप लोग को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। और मैं इसका ऑनेस्टी रिव्यू देना चाहती हूँ क्योंकि इतना कम रेट में, तो आजकल 100 रुपए में एक लिपस्टिक तक नहीं आता है,
लेकिन इतना सारा प्रोडक्ट मुझे मीशो से मिला है, वो भी एक मेकअप किट में। सो ये काफी अच्छा है और आप यूज कर सकते हैं, बट अदरवाइज ये होता है कि हमको स्किन को भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा स्किन किस टाइप में सूट करता है। बहुत सारी चीजें ऐसे है कि कभी कभी हमें सस्ता चीज हमारे स्किन को सूट करता है, कभी कभी महंगा प्रोडक्ट जो है स्किन को सूट नहीं करता है, कभी कभी महंगा जो प्रोडक्ट रहता है वो स्किन को सूट करता है। तो अदरवाइज आपके स्किन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीजें सूट कर रही है। ये तो मुझे ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। और नॉर्मल अगर आप देखेंगे कि जो हाई जो मेकअप रहते हैं, हाई जो प्रोडक्ट रहते हैं हाई प्राइस में, वो उसमें और इसमें काफी अंतर है, क्योंकि ये 186 में काफी लो प्रोडक्ट है, काफी सस्ता, मतलब काफी सस्ता आपको मिलेगा भी, लेकिन वो नेचुरल लुक नहीं देगा जो अदर प्रोडक्ट में और महंगे प्रोडक्ट में आता है। तो ऑब्वियसली ये जो महंगा है वो महंगा तो रहेगी और जो सस्ता है वो सस्ता टाइप का ही काम करेगा। तो इसमें यही चीज है कि आपको अगर आप सस्ता, अगर आप आपके पास बजट इतना है और अगर आप कम टाइम में अगर आप ऐसे मेकअप करना चाहेंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि आपके स्किन को भी ध्यान रखते हुए आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको ये सूट नहीं कर रहा है तो अदरवाइज इसको बिल्कुल यूज मत कीजिए। तो आज का मेरा वीडियो बस यही तक। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।